शहर के अंदर ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां पर नालियों के चैम्बर खुले हुए हैं और इन खुले हुए चैम्बरों के अंदर बाइक सवार पैदल आने जाने वाले लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। साथ ही गायों की भी मौत हो रही है इन खुले हुए चैम्बर में पैर फंस जाने की वजह से, साथ ही कई बार गिर जाने की वजह से। और यह खुले हुए चैम्बर आम नागरिकों के लिए और बेजुबान मवेशियों के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधियों को कोई ध्यान नहीं है और यह खुले हुए चैम्बर ढके नहीं जा रहे हैं और शहर में आए दिन हादसे दुर्घटनाएं हो रही हैं इन खुले हुए चैम्बरों की वजह से। बताइए, ये जो कहाँ पर गायों की मौत हो रही है और किस प्रकार से क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहाँ का पूरा? जिसमें आज गाय की मौत हुई है, जिसमें जो नालियाँ बनी हुई है उस नाली के अंदर गाय गिरने से उसकी मौत हो गई है। और ये शहर में गाय से मरना और गाय की मौत होना ये आम बात हो गई है। नगर निगम कलेक्टर सख्त हो गए और हम भी कलेक्टर से मांग करते हैं जल्द से जल्द पशु मालिकों पर कार्रवाई करिए, जिससे गाय की मौत भी ना हो और आम जनता की मौत भी ना हो। और इस गाय को हम लोगों ने बेलेंगल की ओर से रेस्क्यू करके इस गाय को नगर निगम के स्कूल कर दिया। किस प्रकार से यह खुले चैम्बर हैं और नालियों में किस प्रकार से ढका? वार्ड 25 में कुछ नालियाँ बनी है जिससे भ्रष्टाचार की आड़ में नालियाँ बनी है, उसमें पूरे ठेकेदार की भी मौत हो चुकी है और आज ये गाय हंसे गटर में मर गई है। ये खुले चैम्बर होने की वजह से गाय की मौत हो गई। ये चैम्बर ढके हुए नहीं है क्या? नहीं, कई ढके हुए चैनल है, कई खुले हुए चैनल, कई जगह खुले हुए चैनल। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।